नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मीन लगन व तुला राशि के लिए वक्री गुरु का प्रभाव। देव गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 24 से वक्री होने जा रहे हैं और 3 फरवरी 25 तक वक्री रहेंगे। वक्री गुरु का प्रभाव मीन लगन व तुला राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। सबसे पहले हम समझे कि मीन लगन व तुला राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है। पहले भाव में 12 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका मीन लगन। चंद्रमा अष्टम में बैठा है 7 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी तुला राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर मीन लगन व तुला राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। मीन लगन में इस समय देवगुरु बृहस्पति जो है तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां उनका गोचर शुभ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो वक्री होंगे वो धनभाव की तरफ जाएंगे। धनभाव में गुरु का गोचर शुभ होता है, इसका मतलब मीन लगन से वक्री गुरु शुभ होने वाले हैं। तुला राशि में देवगुरु बृहस्पति इस समय अष्टम में गोचर कर रहे हैं और अष्टम में उनका गुरु गोचर हमेशा अशुभ होता है, और जैसे ही वो वक्री होंगे वो सप्तम भाव की तरफ जाएंगे तो तुला राशि से भी वक्री गुरु शुभ हो जाएंगे। तो हमारे पास मीन लगन व तुला राशि वो भाग्यशाली कम्बिनेशन है कि जिसके लिए वक्री गुरु शुभ है, मीन लगन से भी शुभ है और तुला राशि से भी शुभ है। इसका मतलब है, मान लीजिए कि अगर आपका मीन लगन व तुला राशि है तो जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में आपको वर्ष 2024 में वो सब चीजें मिल सकती हैं जो आपने सोच रखी थी। सबसे पहले बात करें कैरियर के लिए। अगर आपने वर्ष 2024 में कैरियर के लिए कुछ प्लान कर रखा था, आप कुछ नया करना चाहते थे, किसी जॉब के लिए ट्राई करना चाहते थे, आप उन प्रमोशन के लिए ट्राई करना चाहते थे, व्यापार में कुछ नया करना चाहते थे, तो वो सब करने का आपके लिए समय आ गया है। और बाय चांस आपकी कुंडली की दशाएं भी अच्छी हुई, जैसे गुरु की, मंगल की, चंद्र की दशाएं हुई, तो सोने पे सुहागा, आपका काम निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो कैरियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। आप जॉब बदलना चाहते हैं, जॉब बदल सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि गुरु वक्री होकर धनभाव की तरफ जा रहे हैं और तुला राशि से वक्री गुरु लाभाव को देख रहे हैं, तो दोनों लगन और राशि दोनों से आमदनी में बढ़ोतरी का संकेत आ रहा है। यानी आपकी जो इस समय वर्तमान इनकम है उसमें बढ़ोतरी होने का संकेत आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है आप ऐसी जगह जॉब ज्वाइन कर लें जहां आपकी तनख्वाह ज्यादा हो, या व्यापार में किसी ऐसे काम की शुरुआत करें कि आपको लाभ ज्यादा होने लगे। 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में अगर आपकी कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो आप उसमें लाभ की स्थिति में रहेंगे। तुला राशि में क्योंकि गुरु अष्टम में चल रहे थे तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही थी, तो वो परेशानी दूर होगी और दाम्पत्य सुख आपको पूरा मिलेगा। जो अपने विवाह के इंतजार में थे उनका विवाह तय हो सकता है, और गुरु के वक्री रहने की अवधि में आपके घर में किसी प्रकार का मांगलिक कार्य होने की संभावना है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मीन लगन से लग्नेश बनते हैं गुरु, और गुरु उस समय वक्री है। लग्नेश के वक्री होने का अर्थ है पुरानी बीमारी निकल के आना। आप मीन लगन व तुला राशि के जातक हैं, ऑलरेडी बीमार हैं, कोई लंबे समय से दवा खा रहे हैं, तो हेल्थ का ध्यान रखिए। और आप जो दवा खाते हैं उस दवा को खाने से पहले उस दवा की कुछ मात्रा भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा देंगे तो वह दवा जल्दी असर करेगी। साथ ही जब आप दवा खाएं तो उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए तो दवा आपको ज्यादा असर करेगी। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो ओवरऑल मीन लगन व तुला राशि के लिए काम की बाधाएं दूर होंगी, काम की गति तेज होगी, और वर्ष 2024 का ऐसा समय है कि आपने जो भी कुछ सोचा हुआ था उसके पूरा होने की संभावना बनी हुई है। तो मेरा यह मानना है कि मीन लगन व तुला राशि के लिए वक्री गुरु 68% तक बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। अब ये निर्भर करेगा आपकी कुंडली की दशाएं कितनी पॉजिटिव चल रही हैं। दशाएं जितनी पॉजिटिव चल रही होंगी आपको उतना बढ़िया फल मिलेगा। पर ओवरऑल मेरे लिए मानना है कि मीन लगन व तुला राशि को वक्री गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, और आपके लिए वर्ष 2024 का महत्वपूर्ण समय है। अगर आपने वर्ष 2024 के लिए कोई भी महत्वपूर्ण काम करने का सोचा हुआ था तो वो काम करने का समय आ गया 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।